स्पाइडर प्लस मैन मिलके क्या बना? स्पाइडर मैन। एंट प्लस मैन मिलके क्या बना? एंट मैन। क्या हो अगर हम कहें स्पाइडर प्लस एंट? हम कहेंगे उसे स्पाइडर एंट। तो फिजिक्स भक्त, आज आपके लिए लेके आए हैं स्पाइडर एंट। वेल, अच्छी चींटी है ना? ऑलराइट, अब एक सवाल है आपसे, चींटी के कितने पैर होते हैं और इसके कितने पैर हैं? अब ये वीडियो पॉज कीजिए, गिनिए और बताइए। तो आई होप आप लोगों ने गिन लिया होगा और चींटी के भी पैर गिन लिए होंगे। अगर नहीं तो अभी भी टाइम है, गिनिए। चींटी के 6 पैर होते हैं और मकड़ी के 8, इसके 8 पैर हैं। ये एक स्पाइडर है, मकड़ी, यकीन नहीं होता? तो ये देखो, देखो ये कैसे जाल छोड़ता है, जाल बनाने वाला धागा। वेल, ये जाल नहीं बुनता लेकिन मकड़ी के जैसे धागा छोड़ सकता है, जो कि चींटी नहीं करती। अब तो यकीन हो गया कि ये एक स्पाइडर है और मैंने इसे नाम दिया है स्पाइडर एंट। क्यों? जैसे स्पाइडर मैन हो सकता है, एंट मैन हो सकता है, वैसे स्पाइडर एंट क्यों नहीं हो सकता? अगर आपने कभी मकड़ी को गौर से देखा हो तो ऐसा धागा छोड़ने के बाद वो इसी तरीके से धागे को पैर पर लपेटते हुए वापस ऊपर चढ़ जाती है। ये दिखती एंट जैसी है, चींटी के जैसी, पर है ये एक स्पाइडर। दरअसल इसका साइंटिफिक नाम मिरमेरेंकने है। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, मिरमेरेंकने। इसे थोड़ा सा सिंपल वे में साइंटिस्ट्स एंट मिमिकिंग जंपिंग स्पाइडर भी कहते हैं, पर मैंने इसका नाम स्पाइडर एंट रखा है और शायद वो नाम इस पे सूट भी करता है। ये मुझे इस बार मिली है एक आउटहाउस में, एक स्टोर रूम में। इससे पहले भी बचपन में मैंने इसे देखा था और तब मुझे थोड़ा अफसोस हुआ था क्योंकि मैं इससे शूट नहीं कर सका। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, हाथों में मोबाइल थे नहीं और कैमरा तो बहुत दूर की बात थी। वेल, ये मुझे पिछले कुछ साल और भी दिखी थी लेकिन थैंकफुली इस बार मुझे ये और इसके जैसे बहुत से और स्पाइडर एंट मिल रही हैं। वीडियो के एंड में आप एक और स्पाइडर एंट देखेंगे। बचपन में मुझे लगता था कि मैंने एक नई खोज कर दी है, पर जिसके बारे में मुझे पता नहीं चल सका। पर ऐसा नहीं, ये कोई नई बात नहीं। बहुत से आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा कीट वर्ग
अगर मैं कीड़े कहूँगा तो वर्म्स भी उसमें आ जाते हैं, तो कीट वर्ग जिनके जॉइंट लेग होते हैं, ऑर्थोपोडा साइंटिफिकली कहते हैं। बहुत से ऐसे ऑर्थोपोडा होते हैं जो चींटी से मेल खाते हैं। इसे चींटी की नकल या एंट मिमिकिंग, एंट मिमिक्री कहते हैं, और साइंटिफिकली वो बहुत ही टफ नाम है, मिरमेकोमॉर्फी। मिरमेकोमॉर्फी यानी कि चींटी के जैसा दिखना। तो जितने भी कीट वर्ग के जीव हैं उनमें यहाँ पे आप देखेंगे ये कैसा सतर्क हो गया है, बहुत ज़्यादा इसे खतरे का आभास हो जाता है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि ज़्यादातर जो कीट वर्ग के जीव हैं उनमें जो चींटी है उसे बहुत कम शिकारी खाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी हिंसक होती है, और इस वजह से तो कीट वर्ग के जो जीव चींटी से मेल खाते हैं। हाँ, ये देखिए, हाँ, तो जो चींटी से मेल खाते हैं वो थोड़े सुरक्षित रहते हैं। तो इस तरीके से न केवल ये जो स्पाइडर है ये चींटी के जैसे दिखती है, बल्कि और भी छोटे मोटे बहुत से कीट पतंगे हैं जो कि चींटी के जैसे होते हैं, और वही एंट मेमिक्री या मिरमेकोमॉर्फी के अंतर्गत आते हैं। तो मुझे ये जो चींटी है या स्पाइडर है, स्पाइडर एंट से, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मिर मेरेंग ने इसका नाम, मैं इसे स्पाइडर एंट कहूँगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। मैंने इसे आम के पेड़ पे भी देखा है, आप नोटिस कीजिए, शायद आपको भी मिले, संतरे के पेड़ पे भी देखा है, और इस समय भी एक संतरे के पेड़ के सामने ही मैं हूँ, तो मैंने इसे यहाँ पे देखा है। थैंकफुली इसे शूट करने का मौका मिल गया। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। उसी मिर मेरेंकने के जैसा एक और ये भी स्पाइडर एंट है, और ये तो काफ़ी हद तक एंट जैसा ही लगता है, लेकिन ये भी स्पाइडर है। आप इसके लेग्स गिन सकते हैं। ये सबसे अच्छी पहचान होती है स्पाइडर्स के बारे में पता लगाने के लिए। और उसका उसके मुंह के दोनों आर्म्स देखिए, केल सेरी कहते हैं शायद उसे। हाँ, यहाँ पे अगर आप प्राणियों पे दया करने वालों में से हैं, तो मैंने इसे हार्म नहीं पहुंचाया है, थोड़ी देर के लिए वीडियो शूट किया था, और ये मैंने काफ़ी स्लो मोशन में इस वीडियो को रखा है, तो ऐसा भी नहीं है कि मैंने इसे ज़्यादा परेशान किया हो। हाँ, थोड़ा सा परेशान किया, पर थोड़ा साइंटिफिक रिसर्चेस के लिए आई होप इतना मुझे एक्सक्यूज़ मिलना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंट मिमिक्री, एंड दिस इज अनदर एंट मिमिक्रिंग जंपिंग स्पाइडर, और हम इसे कहेंगे स्पाइडर एंट। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आगे भी ऐसा ही नेचर में बहुत कुछ है, बहुत कुछ ऐसा विलक्षण है जो हम नज़रअंदाज करते हैं, उसे आपके सामने लेके आऊँगा, उसे आपके सामने लेके आता रहूँगा, और इसी तरीके से आपके लिए मनोरंजक वीडियोस बनाता रहूँगा। बेशक आई एम फिज़िक्स भक्त, लेकिन नेचर के ऐसे अजूबों के सामने नेचर को सैल्यूट है, और हमें भी
ऐसी चीज़ों के लिए वॉचफुल रहना चाहिए, देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए. दिस इज़ ऑल अबाउट साइंस, दिस इज़ ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशंस. कीप ऑन ऑब्जर्विंग नेचर. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब.